शहीद उधम सिंह कॉलेज इंद्री की मथुरा व वृंदावन में टूर पर गई छात्राओं ने महिला शिक्षक पर लड़कियों की केयर नहीं करने, भूखा रखने व अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। महिला शिक्षक के ऐसे बर्ताव से छात्राएं खफा हैं। बुधवार के दिन छात्राओं ने कॉलेज में महिला शिक्षक के खिलाफ रोष जाहिर किया। कई छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज में उच्चाधिकारी से शिकायत करने के बावजूद भी कार्यवाही नहीं हुई। लड़कियों का कहना है कि टूर पर गई छात्राओं के साथ बहुत बुरा हुआ। शरारती तत्वों द्वारा वहां फायर किए गए कुछ अपहरणकर्ताओं की गाड़ी भी छात्राओं के पास आकर रुकी, लेकिन महिला शिक्षक ने गौर नहीं किया और लड़कियों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाया गया, बल्कि छात्राओं को भूखा भी रखा गया। 5 से 7 तक तो मैम गई वहाँ से, तो मैम ने बच्चों की कोई वो नहीं करी केयर, ठीक है जी। वहाँ गए रात को 9 बजे वहाँ पहुँचे जी। उसके बाद 9 बजे लड़कियाँ ऐसे ही खड़ी रही मथुरा अकेली, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं करी मैम ने। मैम 1.5 किलोमीटर आग गए, उनकी कोई वाह नहीं करी। मैम की गलती है, उन्होंने करना चाहिए था। मैम ने लड़कियों को बोला तुम लोफर हो, भी लोफर किस चीज में है। मैम ने ये भी बोला भी तुम लोफर हो। के गए थे धर्मशाला, बुकिंग की कोई प्लानिंग नहीं थी। हम 3 घंटे तक बस में थे मैम, हर धर्मशाला को देखते एक बुक हुआ। उस टाइम हमको रात को 1 टाइम खाना मिला। उसके बाद सुबह हमें 12-1 बजे हमको लंगर खिलाया सुबह, और दोपहर के नाम का और चाय कुछ नहीं था, और खुद दूध मंगा के पिया उन्होंने धर्मशाला में, और बच्चों के लिए कुछ नहीं था। उस दिन हम सारा दिन तो ऐसे ही भूखे रहे, और रात को जब हमें खाना खिलाने के लेके गए तो बस वाले ने जवाब दे दिया हम किसी बच्चे को बस में नहीं लेके जाएंगे। हालांकि उन्होंने 700-700 हमसे भी लिए थे, और सरकार से ब्रांच भी आ रही थी। मैम ने उसका कोई भी सामना नहीं किया, मैम ने उसका कोई विरोध नहीं किया कि तू बच्चों को क्यों नहीं लेके जा रहा। हम लड़कियां आधी रात को 12 बजे वृंदावन की सड़कों पे यूपी के इलाके में ऐसे ही घूमे। वहां से बच्चे आए, दो तीन लड़के आए, 6 लड़के थे मतलब मोटरसाइकिलों पे, 3 मोटरसाइकिलों पे उन्होंने फायरिंग की, बच्चे डर के नीचे गिर गए। मैम को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं दिखा, वो स्टिक रही। उसके बाद वहां पे जाके 3-4 ढाबे देखे, वहां पे उनको महंगी लगी रोटी, उन्होंने कुछ नहीं खिलाया। हम ऐसे ही भूखे रहे, हमने कहा हम अपने पैसों खाएंगे, तो मैम ने हमारी बात को भी इग्नोर कर दिया। फिर वहां पर उनको एक लड़की को दौरा पड़ गया, और हमारे साथ एक मैम थी, एक मैम रूम में थी जिस लड़की को बुखार था, एक मैम उसके साथ थी, एक हमारे साथ थी मैम, और एक लड़की को वहाँ पे दौरा पड़ गया, तो मैम ने उसको ले जाने से भी मना कर दिया। हमारे क्लास की 4 लड़कियाँ एम कॉम की लड़कियाँ थी और बीए फाइनल की लड़कियाँ थी, वो उनको अपने साथ लेके गई है। फिर मैम पीछे से हमने धक्के से भेजी है लड़की के साथ, वरना वो मना कर रही थी जाना नहीं है। और हम अकेले सड़कों पर, मैम की एक फ्रेंड थी वहाँ पर, वो आउटसाइडर थी, हमारी कॉलेज की नहीं थी, उसको हम जानते नहीं थे, हमने उनको फर्स्ट टाइम देखा। वो बच्चों से इतने पीछे थी, 1 किलोमीटर बच्चों से पीछे थी, 3 किलोमीटर हम पैदल जा रहे थे। उस टाइम पे वहाँ पे किडनैपर की कार रुकी है, वो किडनैप करने के लिए रुकी थी। 2 बंदे थे, हम 37 लड़के थे, हमने चैन बनाई हुई थी, हम वहाँ से भागे तो बच्चे गिर गए, रो रो के वो उसी टाइम वहाँ चले गए। लेकिन उसकी जो मैम की फ्रेंड थी, उनको बिल्कुल पता नहीं लगा क्या हुआ, वो हमसे 1 किलोमीटर दूर थी। और जब हम भूखे पेट हम धर्मशाला में आ गए कि हमारी फ्रेंड की तबीयत खराब थी, हमने कुछ नहीं खाया, मातम बन गया। वहाँ पे जाके हम रूम्स में डर के बंद होके बैठ गए चुपचाप, और एक मैडम हम बच्चों के साथ थी वहाँ पे, और एक उनके साथ गई हुई थी लड़की के साथ, वो हमने जबरदस्ती भेजी थी। कुछ नहीं जी, सारी सुविधाएं दी गई थी, बच्चों को बस करके दी थी। हमारे पास 50,000 रुपया था, 40 लड़कियां गई थी, और उनके हिसाब से वहां भेजा गया था मथुरा वृंदावन में। और वहां जाने के बाद 2 टीचर साथ गए थे, लेडी टीचर, क्योंकि लड़कियों का ट्रिप था। और 2 टीचर जो साथ गए थे, उनमें 2 लड़कियां जो थी, एक लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ गया तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एक मैडम उनके साथ चली गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनका 1 टाइम का खाना 1 घंटा लेट हो गया, क्योंकि बच्चे को बचाना ज़रूरी था। दूसरे मैडम ने उनकी जितनी सुविधा हो सकती थी दी, कुछ छोटा मोटा खाने का सामान वैसे दिया जैसे फ्रूट्स वगैरह, और उन्होंने कहा मैडम के आने के बाद, तो वो टाइम रात का था, तो थोड़ा सा उन्हें ढाबा ढूँढने में, खाना मंगाने में टाइम लग गया, तो जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा लगा। लेकिन थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बच्चे और टीचर के बीच में। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा बच्चे, 1-2 बच्चे थे ऐसे जिनको मैडम ने कुछ इनडिसिप्लिन की वजह से डांट दिया वहाँ, कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, जैसे बच्चे सेल्फियाँ ले रहे थे इधर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन में रहो, कि ऐसे आपने सेल्फी नहीं लेनी दूसरे लोगों के साथ, जैसे फॉरेनर मिल जाते हैं या कोई और लोग मिल जाते हैं। तो उनकी वजह से वो बच्चे थोड़ा सा चिढ़ गए मैडम से, तो वो थोड़ी सी शिकायत करने के लिए आए। उनको हमने अपने लेवल पर समझा दिया, कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। ट्रिप का कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा रहा है।